क्लासेस में। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जो भी साथी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने कांस्टेबल भर्ती हेतु एक विज्ञापन आज जारी किया गया, तो देखते हैं आज का जो विज्ञापन आया है उसमें कितनी पोस्टें हैं और इनकी एग्ज़ाम भी कब होंगी, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, इनकी जो शारीरिक दक्षता यानी जो दौड़ होगी वो एग्ज़ाम से पहले होगी और जो पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर आधारित होगा, OMR शीट पर आपका पेपर नहीं होगा, इस बार कंप्यूटर से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं कांस्टेबल की भर्ती के जो फॉर्म में कब भरे जा रहे हैं और इनमें क्या योग्यता रखी गई। तो अब साथ ही इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि कोई भी साथी है जिसको पता ना हो तो उसको भी इसका पता चले और वो भी अपना फॉर्म भर सके और इस कांस्टेबल भर्ती में भाग ले सके। तो दोस्तों आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है वो आज जारी किया गया 2023 का, आज 3 अगस्त 2023 को आज ही जारी किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के यथा संशोधित के बाद तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड और घुड़सवारी पोस्टें रहेगी, उसमें श्वान दल और पुलिस दूरसंचार इसके 3578 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। इसके लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में न्यूनतम प्राप्तांक वाले ही अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, CET वाले, है ना। नेक्स्ट इसमें जो फीस है वो क्या रखी गई है या उसका वो भी अपन देखते हैं। सामान्य और पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 120 अंक लाने जरूरी है, यानी मिनिमम 40% लाना जरूरी होगा लिखित एग्ज़ाम में, और SC ST के लिए 108 अंक यानी 36% अंक लाना जरूरी है, और ट्राइबल सब प्लान एरिया TSP के लिए 30% अंक लाना जरूरी होगा। नेक्स्ट ये जो आवेदन होगा ऑनलाइन भरा जाएगा, आप ई-मित्र के द्वारा अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। फॉर्म की डेट है 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023, यानी 20 दिन का समय दिया है गवर्नमेंट ने, तो लगता है इसका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द ही करवा दिया जाएगा। तो चुनाव भी साल को देखते हुए ये भर्ती भी बहुत ही जल्द पूरी करा दी जाएगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और बढ़ा दीजिए, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना इस समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। 28/8/2023 से 30/8/2023 तक आवेदन में जो त्रुटि हो जाए तो संशोधन के लिए भी डेट दे रखी है 28 अगस्त से 30 अगस्त, दो दिन अगर फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती तो उसमें सुधार का मौका भी दिया गया है। 300 रुपये शुल्क लगाकर अपन वापस सुधार करा सकते हैं। आवेदन द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जाएगा, यानी राजस्थान के 33 जिलों में पहले प्रत्येक जिला लेवल पर भर्ती होती थी, अब पूरे ऑल राजस्थान में एक ही जिले में एक ही बार आवेदन भरा जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और उस पर अगर आपने पहले ही OTR 1 time रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके वहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। आपने पहले 400 रुपये जमा करा दिए होंगे तो उसके आधार पर आप अपना फॉर्म इसमें फ्री भर सकते हो, अगर OTR अगर आपने पहले से करवा रखा है, और नहीं करवा रखा तो अब OTR करवा देना, तो आपके जितने भी राजस्थान सरकार की जो भी वैकेंसियाँ निकलेगी उसके फॉर्म आप फ्री में भर सकते हो, केवल एक बार ही आपको 400 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अभ्यर्थी एक बार ही पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक से पूर्व निश्चित करें। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करें, इसे नहीं बदलें, आप अपने खुद के मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID ही जो चालू है वही इसमें भरें, ताकि कोई सूचना हो तो आपको मेल किया जा सके या आपके नंबर पर मैसेज कर दिया जाए, तो वही नंबर आप इसमें भरें, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। तो 28 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, 28 अगस्त के बाद कोई ऑफलाइन आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमाने कराने हेतु 50 रुपये संबंधी ई-मित्र कियोस्क सेवा को शुल्क के रूप में, यानी जो फॉर्म भरने वाला ई-मित्र वाला होगा 50 रुपये आपको फॉर्म भरने के लेगा, वो आपको देनी है।
ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदन से अपेक्षा की जाती है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में दिशा निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो उसका प्रिंट आपको आपका जो फिजिकल होगा वहाँ पर ले जाना अनिवार्य, ठीक है। तो इस बार क्या आपका फिजिकल पहले होगा, उसके बाद ही आपका लिखित एग्जाम होगा। आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य ने समस्त ई मित्रों को यह सुविधा दे रखी है। पंजीयन शुल्क विभाग द्वारा जारी परिपत्र 8 क्रमांक 2/2023/044 दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSID द्वारा लॉग इन करने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली यानी OTR आपको करना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार पंजीयन शुल्क कराना, तो OTR का जो फीस है OTR की है ना, वन टाइम पासवर्ड की रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो सामान्य वर्ग और क्रिमिनियर के लिए 600 रुपये रखी गई, नॉन रिजर्व के लिए 600 रुपये, और बाकी जो भी रिजर्व श्रेणी है जैसे नॉन क्रिमिनियर OBC है SC ST OBC तो उनके लिए 400 रुपये रखी गई। तो ये 400 या 600 रुपये आप एक बार ही लगेंगे, उसके बाद राजस्थान की समस्त भर्तियों के आप आवेदन फ्री में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखना शारीरिक दक्षता में मापदोल, समान पात्रता परीक्षा जो CET 12th लेवल की हुई थी वो आपको पास करना अनिवार्य है। उसके आधार पर ही आपको 15 गुना अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता या दौड़ में चयन किया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों का वापस आपका लिखित एग्जाम होगा। शारीरिक दक्षता में मापदोल परीक्षा है तो ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों या SSO ID पर आपको दे दी जाएगी। जब आपकी शारीरिक दक्षता होगी, आपका फिजिकल एग्जाम होगा, उसमें आप पास हो गए तो उसकी सूचना आपको आपके SSO ID से या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कर दी जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पद जिला यूनिट में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की जाती है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 56 पद आरक्षित है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 56 पद इसमें रिजर्व रखे गए, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश अनुसार किया गया। आरक्षण महिलाओं के लिए अलग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग से रिजर्व सीटें इसमें रखी जाएगी। नेक्स्ट TSP क्षेत्र के लिए भी अलग से सीटें रखी गई हैं, तो TSP वालों के लिए भी अलग। वेतमान और पेंशन भर्ती हेतु पात्रता योग्यता, अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए और देवनागरी लिपि और हिंदी लेखन का और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जिला पुलिस इंटेलिजेंस मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा का समक्ष होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और पुलिस दूरसंचार, ये भी एक अलग से पोस्ट होती है पुलिस दूरसंचार की, इसमें मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान या गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी यानी जो साइंस वाले होते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ अस्थायी वैध लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। जो विज्ञप्ति निकली उसे 1 साल पहले का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए, ठीक है। आयु सीमा देखी जाए तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत ऊपरी आयु के सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DOA 23 दिनांक 17/5/2018 आयु की सीमा 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी, ठीक है। तो ये आयु भी आपको ध्यान में रखनी। कांस्टेबल चालकों के लिए ये आयु, ये चिकित्सा नहीं तो हो जाएगी आपके ना। नियुक्ता के लिए अयोग्य 12th पास है आपकी योग्यता, वो आपको ध्यान में रखनी। शारीरिक दक्षता कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट होगा, है ना। 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, 150, ठीक है। और कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूर संचार के लिए कोई फिजिकल उसमें नहीं होगा, दक्षता परीक्षा नहीं होगी। बाकी इन दोनों के लिए आपके दक्षता परीक्षा लागू। और दक्षता परीक्षा में देखा जाए फिजिकल में तो पुरुष के लिए 25 मिनट और महिलाओं के लिए 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 25 मिनट, महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट होता है। और TSP एरियों के लिए भी 30 मिनट का समय रखा गया है। अब इसके बाद जो आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा उसका लिए सिलेबस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस है आपके लिए। उसमें
पार्ट, तीन पार्ट होंगे ए बी सी। ए में आपका विवेचना एवं तार्किक योग्यता कंप्यूटर का ज्ञान होगा, ठीक है, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 60 क्वेश्चन होंगे और 60 प्रश्न होंगे, सॉरी 60 अंक होंगे, एक प्रश्न एक नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय है आपका करंट अफेयर्स तथा महिलाओं बच्चों के अधिकारों एवं उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएँ, इन संबंध की जानकारी भी आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 नंबर होंगे। फिर राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, जिसमें आपके राजस्थान की भूगोल भी आ जाएगी, कला संस्कृति भी आ जाएगी और राजस्थान की हिस्ट्री भी आ जाएगी, ये भी 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर, यानी कुल 150 क्वेश्चन है और आपका 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, और इसके लिए समय होगा आपका 2 घंटे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर होगा, जिसके लिए आपको सेंटर बनने होंगे और आप जो भी सेंटर पर होंगे उसमें वरीयता के आधार पर आपको सेंटर दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होगा, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम इस बार नहीं रखा गया, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार, उनके लिए दक्षता यानी शारीरिक दक्षता जो आपका फिजिकल होगा वो होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका फिर एग्ज़ाम के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और ये सारी जो विस्तृत सूचना इस पूरी विज्ञप्ति में दे रखी है, तो ये आज आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली थी उसकी पूरी ये विज्ञप्ति है, और इसमें कितने पोस्ट हैं और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होता है मैंने सभी आपको इसमें बताया। कुल इसमें 3378 पोस्ट हैं, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, पहले आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम पास होने के बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी यहाँ पर 3,787 इनका 15 गुना अभ्यर्थियों को ही पास करें किया जाएगा, वो ही फिर ऑफलाइन सॉरी एग्ज़ाम देने जाएंगे, और उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उनका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो भी साथी कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती का एग्ज़ाम कर रहे हैं, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये आज विज्ञप्ति जारी हो गई। तो आप निरंतर अपनी तैयारी को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि चुनावी साल है और इस बार बहुत सारी भर्तियाँ निकालेगी सरकार, तो समय रहते हैं इस भर्ती को भी पूरा करा दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय श्री।